नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। आज 23 मार्च है। आज की तारीख इतिहास के पन्ने में दर्ज है। आज का दिन है शहीदी दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। आज हम दिखाएंगे देश के उन महान सपूतों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बुलेटिन में बात पाकिस्तान के उस नापाक न्योते की भी होगी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बात सुधरने वाला नहीं है। लेकिन पहले आज की 25 बड़ी खबरें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी पहुंचे हुसैनीवाला, बाद में जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था भी टेका। भगत सिंह के गांव पहुंचकर नम हुई अन्ना हजारे की आंख, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी किया याद। पाक दिवस पर अलगाववादी नेताओं के पाकिस्तान एम्बेसी में निमंत्रण पर सियासी हलचल, मीरवाइज और गिलानी के अलावा विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लश्कर और हिजबुल के कई गुट घुसपैठ की फिराक में आईबी ने गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को किया अलर्ट। धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में कहा, भाई भाई की तरह क्यों नहीं रह सकते। सीमा विवाद पर भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक। बैठक में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के यंग जेजी। बीजेपी आरएसएस समन्वय समिति की बैठक खत्म, तय हुआ भूमि बिल का प्रचार करेंगे आरएसएस कार्यकर्ता, मुफ्ती के रवैये से नाराज। आम आदमी पार्टी की 28 मार्च वाली बैठक की अध्यक्षता नहीं करना चाहते केजरीवाल, सूत्रों के मुताबिक कुमार विश्वास को दी जा सकती है जिम्मेदारी। जाट आरक्षण पर तेज हुई राजनीति, अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ की बैठक। कर्नाटक के आईएएस अफसर डीके रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई करेगी जांच, आज भी विधानसभा में हंगामा, नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, नवी मुंबई में चर्च पर हुए हमले पर एनसीपी का वॉकआउट, कांग्रेस ने की बहस की मांग। व्यापम घोटाले की जांच, दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल, एसआईटी में एमपी काडर के अधिकारी कैसे कर सकते हैं अपने सीएम की जांच। सूर्य नमस्कार के खिलाफ मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, वसुंधरा सरकार ने कहा वापस नहीं होगा फैसला, स्कूली बच्चों के लिए फायदेमंद। बिहार के मैट्रिक इम्तिहान में नकल पर शिक्षा मंत्री पीके शाही की नई दलील, कौन सा राज्य चोरी से अछूता, मेडिकल आईएएस की परीक्षा में भी घोटाले। आज है राम मनोहर लोहिया की 105वीं जयंती, लखनऊ के लोहिया पार्क में मुलायम सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम। बारिश से बर्बादी की सुध लेने के लिए बंद थी राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे ने महिला विधायकों के साथ रचाई मेहंदी। यूपी के अलीगढ़ में किसान ने खेत से लौट कर दी जान, जालौन में 16 खुदकुशी के मामलों की आधिकारिक पुष्टि। सुनंदा पुष्कर के मोबाइल से मैसेज डिलीट करने को लेकर जांच की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास, मेहर तर्रार से पूछताछ के लिए बन रही है सवालों की लिस्ट। गढ़चिरौली के नक्सली हमले में 2 जवान शहीद, पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था अभियान, 2 जवान घायल। संसद के एसी प्लांट में आग पर लोकसभा ने बनाई कमेटी, 3 से 4 दिन में देनी है रिपोर्ट। बद्रीनाथ में फिर जबरदस्त बर्फबारी, करीब 10 फीट जमी बर्फ, 1984 के बाद पहली मार्च में ऐसी बर्फबारी। शिरडी में वीआईपी दर्शन पहले से आसान, बिना सिफारिश के 100 रुपए के भुगतान पर मिलेगी सुविधा। पहले सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने, डिविलियर्स ने कहा हमें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं। 60 साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद
शशि कपूर को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऋषि कपूर ने दी ट्वीट करके बधाई।